बात कर लेते हैं ड्रग्स केस की। ड्रग्स केस में अब एनसीपी और बीजेपी आमने सामने। आज एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स पेडलर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों के आरोप लगाए। इसके जवाब में फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का आरोप लगाया। समीर दाऊद वानखेड़े, जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप, और इस बीच जिस तरह से नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी पर भी ड्रग पेडलर के साथ संबंधों का आरोप लगाया है। इसके बाद फडणवीस ने नवाब मलिक पर पलटवार भी किया, वो भी जरा सुनिए। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग, चल चल मूवी, मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था। गाना गाती हैं, अच्छी बात है, नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मोंगन टीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है। डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। मंत्री नवाब मलिक, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद, इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण, रिवर मार्च ये जो संगठना मुंबई में काम करती है, इस संगठना ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए, और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।